खाटी पहचान मौसीकी में, मालिनी जी और कलाओं में, और तमाम सारी चीज़ों को समेटे हुए हमारे मुजफ्फर अली साहब। मुजफ्फर भाई, जब गमन बनाई आपने, पहला सीन जो खुलता है वो रेमिंगटन टाइपराइटर पर टाइप होता है कुटवारा, और फिल्म आती है दृश्य पर। मुझे लगता है वहीं से अवध को पकड़ने और अवध के तारे सारे इलाकों को, सूबों को पहचानने की एक शनाख्त आप शुरू करते हैं, जो बाद में अंजुमन जो चिकन वीवर्स पे है, और बाद में उमराव जान, और बाद में आंदोलन, और तमाम सारी फिल्मों में आगे बात बढ़ती है। मैं चाहूँगा कि अवध में अपनी घुसपैठ को आप अंडरलाइन करें। अवध तो उस वक्त मुझे मालूम नहीं था अवध है क्या, मुझे सिर्फ ये मालूम था कि एक शहर है और शहर के अतराफ बहुत से गांव हैं, जिसमें छोटा सा मेरा भी गांव है, और उस गांव में और उस इलाके में ख़ास तरह की खुशबू आती है, एक ख़ास तरह की बोलचाल होती है, ख़ास तरह के मुहावरे होते हैं, और फिर पता चला यही है अवध, एक गुदासी कल्ब जिसे कहते हैं सॉफ्टनेस ऑफ द हार्ट, और एक टेंडरनेस का नाम। तो धीरे धीरे करके उसकी पहचान बनी, तो फिर उसका दर्द भी महसूस करना शुरू किया, क्योंकि अवध बगैर दर्द और पीड़ा के मुझे लगता है भरपूर खेल के सामने नहीं आता। जितनी भी आप कलाएँ ले लें, लोग कलाएँ ले लें, वो कहीं ना कहीं इंसान की के कॉन्ट्रीब्यूशन से, इंसान की दिल की धड़कनों से बनी हुई है। तो उसमें जाहिर है कि आप जो दृश्य बता रहे हैं टाइपराइटर को, मेरे वालिद के हाथ थे, उन्हीं का टाइपराइटर था, और उस टाइपराइटर से अवध का भविष्य अपने हिसाब से जो समझ सकते थे उसको उन्होंने पेश करने की कोशिश की, और वो कहीं ना कहीं मुझ तक पहुंचा। और उस चीज़ को मैंने सोचा कि किसी ठुमरी में ढाला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने, जयदेव जी मेरे साथ थे, तो हम लोगों ने बहुत तलाश किया, और भी कुछ लोग थे, तो ढूंढते ढूंढते मुझे ये हीरा देवी मिश्रा की आवाज़ में ठुमरी रस के भरे तो रहे तो है, आजा समझिया तो है गरबा लगा। तो ये चीज़ मुझे लगी कि इसमें ये है अवधारा की, ये शायद इसमें ब्रिज की कैफियत ज़्यादा हो, लेकिन हमें उस कैफियत में फ़र्क करने का कुछ ना हमें ज़रूरत महसूस हुई, ना हमें वो तमीज़ थी। तो बहरहाल अवध को समझने के लिए बहुत से आले हैं, और सबसे बड़ा आला जो है वही एक इंसान और उसकी मजबूरी और उसकी जो कंट्रीब्यूशन है समाज को के बनने और टूटने में, वो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत ही सुंदर बात। मान लीजिए अवध आपके साथ इस तरह से घुला मिला है जैसे बिल्कुल गंगा जमुना। एक अवध लखनऊ है और एक अवध का एक प्रकारांतर से बनारस है, पूर्वम जिसे हम कहते हैं, गिरिजा देवी हैं और आपके तमाम सारे उस्तादों का, और लखनऊ का खास करके मामला जो चौक और नखास की गलियों में भी जाता है। बहुत बात खोलूंगा नहीं, क्योंकि वो आप ही बताएंगे तो बेहतर होगा। किस तरह से अपने गायन में आपने अवध को संजोया? सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत बधाई कौशल लिटरेचर फेस्टिवल के लिए अमिताभ बघेल जी को। एक खूबसूरत शुरुआत हुई है, और आज मुझे लगता है ये वाकई में जश्न अवध पे बात तभी मुकम्मल है जब मुजफ्फर साहब यहाँ बैठे हों, जब यतीन्द्र यहाँ बैठे हों। और मैं समझती हूँ मेरी खुशनसीबी है मोहित यतीन्द्र की, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मुझे बड़ा फख्र होता है मैं दुनिया में जब मेरे साथ मेरे शहर का नाम जुड़ा है, क्योंकि एक शहर अपने आप में एक अदब है, एक कल्चर है, और लखनऊ मेरा पालन पोषण पूरब में हुआ। मैं पली बड़ी मिर्जापुर में, गोरखपुर में, लेकिन लखनऊ की तासीर हमेशा साथ रही, क्योंकि आप पिताजी अवधि में बोलते थे, हमारी ताई जी, जैसे आपने कहा कि
जो पहली समझ लखनऊ की अवध की हुई वो गौनई के गीत ताई जी की ढोलक और उनके गानों से ही हुई। और मैं खुश नसीब थी कि मेरे जो उस्ताद दूसरे उस्ताद थे उस्ताद रिखा साहब वो लखनऊ के ही रहने वाले थे, चौक के रहने वाले थे, तो वो भले ही वहाँ नौकरी कर रहे थे आकाशवाणी गोरखपुर में, लेकिन उनका सिखाना, उनकी बोली, उनका आचार व्यवहार सब कुछ लखनवी था। और इस तरह से कहीं ना कहीं अवध मुझमें बढ़ता बढ़ता रहा, मेरी अपनी खुद की एक सेंसिबिलिटी और समझ अवध की बढ़ती चली गई। मेरा ख्याल में मैंने उमरावजान जब देखी होगी 82 में शायद आई थी, तो मैं उस समय 16 बरस की थी, 15-16 बरस की। और मैं अपनी खुश नसीबी मानती हूँ कि एक वक्त ऐसा आया कि मैंने मंच पे मुजफ्फर साहब के लिए गाय को ब्याह विदेश गाया, जो हमने तभी गुनगुनाना उस समय शुरू कर दिया था। तो अवध मैं पढ़ने की शौकीन थी शुरू से, मेरे लिए वाजिद अली शाह हजरत अमीर खुसरो थे और अवध मेरे लिए राम थे, राम के सोहर, राम के बन्ने, राम का ब्याह, राम का जनेऊ, सब कुछ राममय। वो धीरे धीरे आकार पाता रहा। और एक बड़ी कमाल की बात यह मैं जरूर कहूंगी कि मुझे हमेशा ये लगता रहा कि अवध की मौसिकी को बतौर आर्टिस्ट बहुत कम लोगों ने, शायद बेगम अख्तर जी को छोड़कर, मुकम्मल तौर पे उसका एक कॉम्पोजिट फ्लेवर बहुत कम आर्टिस्टों ने फ्लेवर प्रेजेंट किया था। क्योंकि भोजपुरी एक पॉपुलैरिटी पा रही थी और कथक अवध की कह लीजिए लखनऊ की पहचान बन गई, लेकिन एक ऐसा गाना बजाना जिसमें अवध के दर्शन हो, जिसमें आप खुसरो को गाएं, जिसमें आप राम को गाएं, आप सेहरा गाएं, आप मुबारकबादी गाएं, आप गजलें गाएं, आप, और उसमें मैं आगे आऊंगी, आपका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है कि आपने तो मुझसे सोज भी गवाए हैं, सलाम भी पढ़वाए हैं। तो मैं, मेरे अंदर हमेशा से मुझे लगता रहा कि अंडररेटेड यहाँ के जेम्स हैं। और जो पूरब अंग की आपने बात कही, दुनियावी तौर पे पूरब अंग, क्योंकि बेगम अख्तर साहब भी यही कहती थी कि ये पूरब अंग का गाना बजाना है, तो पूर्वी कजरी होरी जो वो गाती थी या मेरी गुरु ने जो सिखाई, वो एक अलग शैली है पूरब अंग। अवध की कजरी अलग है, अवध की कजरी अलग है, अवध की पूर्वी अलग है, अवध की होरी भी अलग, जो कालिका बिंदा देवी जी से होती हुई कहां तक पहुंचती है। तो मैंने कोशिश की कि मुझे जो जाना चाहे, मुझे अवध से जाना चाहे। और इसीलिए आप देखते हैं कि अभी मैं देवा शरीफ प्रोग्राम में गई थी, मेरा ख्याल में एक हफ्ता हुआ, तो मैंने बेगम शाह वासी साहब के कलाम से ही शुरू किया, लागी नजर भरपूर निजामुद्दीन लागी नजर। तो वो जिसको आप गंगा जमनी कहते हैं, जहाँ पे राम के सोहर से लेकर के बात पूरी मजाज तक को गाते हुए पूरी होती है, मुझे खुशी है कि मैं उस तालीम का हिस्सा हूँ, ऐसे उस्तादों ने सिखाया। और एक बहुत बड़ा उसका असर, जो आपने राहत साहब की बात करी, मैं एक, क्योंकि आप, मैं उसका एक जिक्र करके आगे आपको माइक देती हूँ। जब मैं 15-16 बरस की थी तो मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब को लखनऊ लेके जाना है और सुनाना है किसी को। तो उस जमाने के उस्ताद ऐसे होते थे कि शागिर्द अच्छा तैयार हो रहा हो तो अपने उस्ताद को या बड़े सुनकारों को सुनाने में वो पसंद करते, देखो मैंने कैसा तैयार किया। और ऐसा उनको हक था क्योंकि मैं 11-12 साल की थी जब उनके लिटरली हाथ में उनकी छाया पड़ी। तो मैं अपने पिताजी के साथ, गाड़ी थी पापा की फिएट और उसमें मैं गई साथ में, तो चौक की गलियों में होते होते, तब तो ये मालूम नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, फूलों वाली गली के बाद ऊपर होते हुए अकबरी गेट क्रॉस करते हुए हम सीढ़ी पे चढ़े। और मैंने नाम तो सुन रखा था, मेरे सामने एक बहुत बुजुर्ग आदमी और बहुत सारी औरतें जो चिक पे थी, पर्दे में थी, और उन्होंने कहा कि बच्ची आई है, आओ आओ आओ। तो मैं और मेरे पिताजी, माँ नहीं आई थी, मैं गई और वो खटिया पे लेटे हुए थे जिन्हें सुनाना था हमारे उस्ताद। मेरे उस्ताद ने बाजा वो निकाला और बैठ गए, बोले हाँ कुछ सुना। तो मुझे याद है अभी मैंने फिराक साहब की गजल सुनाई थी, किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी, ये हुस्न और इश्क धोखा है मगर फिर भी। तो मैं सुनाने लगी तो बोले इनके पहले पैर छुओ।
और ये हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद अफजल हुसैन नगीना साहब, जो अपने आप में संगीत को जिन्होंने एक शक्ल थी 20वीं सदी में कह सकती हूँ, उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो वो ससुर जी भी होते थे हमारे उस्ताद के और उनके उस्ताद भी थे राहत अली खान साहब के। उनके सामने सुनाया मैंने और सुनाने के बाद बड़ी दुआएं दी उन्होंने, जो वहाँ पे औरतें थी उन्होंने खूब सारी मुझे दुआएं दी। और जब मैं उतरने लगी वहां से सीढ़ी पे, तो मैं, मेरे पिताजी भी, मुझे ये लगता है कि आज लोग कहते हैं कि बच्चों को कैसे सिखाएं, मुझे लगता है वालदैन का कितना फर्क पड़ता है। आपके माता पिता आपके लिए बुनियाद खड़ी करते हैं, आज लोग छोटी छोटी चीजों में सोचते हैं, कितने खुला जहन मेरे पिता का। जब मैं उतरी सीढ़ियों से तो हमारे पीछे एक बुजुर्ग महिला थी, वो बोली कि इनका सदका उतार दीजिएगा डॉक्टर साहब, पिताजी डॉक्टर थे साथ, डॉक्टर साहब इनका सदका उतार दीजिएगा, अब इनकी जिंदगी बन गई। तो मैं तो अकल नहीं थी मुझे, जब मैं आई खान साहब भी साथ ही आए, उस्ताद बोले कुछ समझ में आया डॉक्टर साहब वो ये क्यों कह रही थी। तो हमारे पिताजी तो बिल्कुल समर्पित एक अभिभावक थे कि लड़की को उस्ताद क्या ले जा रहे, इसके ज्यादा उन्होंने सोचा ना कुछ बोला। बोले वो इसलिए कह रही थी कि कोठे की सीढ़ियों की धूल का आशीर्वाद मिल गया इस लड़की की जिंदगी बन गई। मैं ये मेरे लिए एक बड़ी मतलब ये बात है 87 की, 83 और मैं आज सोचती हूँ इन चीजों का क्या मतलब है, क्या मायने हैं, क्योंकि मेरे उस्ताद बहुत जल्दी नहीं रहे और वो आशीर्वाद है कि आज हम लोग जो कुछ भी कर पा रहे हैं, वो कोई कितना भी श्रेय ले ले कि उस्तादों का कर्म है, उनकी मेहनत है। और ऐसे उस्तादों का जो इतने ईमानदार थे कि अपने गुरु को सुनाने जा रहे शागिर्द को, वो ईमानदारी अपनी कला में रखूं, वो भी मुझे लगता है जावत की ताकत है। उमरा जान पे आते हैं, बिना उमरा जान के अवध पूरा नहीं होता और वो आ जाए तो रंग बढ़ जाता है। उसमें बहुत जगहों पे पार्ट्स में जो म्यूजिक की इंट्रिकेसी है, जो झरोखों से संगीत निकलता है, झूला किन्ने डाला रे अमरैया पार्श में बज रहा है और कोठे के महफिल को दिखाया जा रहा है। जब फारूक शेख के घर में उसके बेटे को आसीसने के लिए गाने के लिए बुलाई जाती हैं, रेखा अमीरन इंटर करती हैं, मेरे ख्याल से एक मिनट या डेढ़ मिनट का सीन है और गौनिहारी ने बैठ के गा रही है बधावा, मुबारकबादी दे रही है। जब अमीरन की सगाई हो रही है तो काहे को गाहे विदेश हो रहा है, तो जो पूरे मौसीकी का जो एक ढब है अवध का, जो एक कोलोकियल फ्लेवर है, वो उमराव जान में बिखरा हुआ है। सामान्य जो श्रोता दर्शक होंगे उनको वो तीन मुजरे नजर आएंगे, लेकिन मुझे हर दृश्य बदृश्य अवध छानता है अपनी मौसीकी में और अपनी पीड़ा में। वो सायास था, डेलिबरेट था या ऐसे आया? ये देखिए, फिल्म में हर चीज जो है वो दानिस्ता होती है, डिलीबरेट होती है। अगर आप वो डिलीबरेट नहीं करेंगे तो फिर आप सिर्फ एक्सीडेंट्स में तो नहीं कुछ कह सकते इसलिए। और म्यूजिक का जहाँ तक मामला है, म्यूजिक इंस्पिरेशन और मिश्रण का एक एक्सपेरिमेंट है। और इंस्पिरेशन जो है वो हमेशा ज़मीन से आती है, एक अदब से आती है, एक तहजीब से आती है, और जो उसका ब्लेंडिंग जो होती है वो आती है आज की आज के रंग से। तो एक तरफ तो मेरे साथ खयाम साहब हैं, दूसरी तरफ मेरा अपना जो कंडीशनिंग थी जो मैं सुन चुका था देख चुका था वो, और तीसरे हमारे बहुत ही करीब बुजुर्ग और उस्ताद थे, उस्ताद वहाँ मुस्तफ़ा खान। अब खान साहब हमारे हमें उनको हमेशा अपना उस्ताद माना और वो हमें जब देखिए कुछ ना कुछ वो आ जाते थे। सबसे बड़ी चीज़ जैसा आपने मालूम फरमाया कि कला जो है वो पनपती दुआओं से, अगर आप दुआएं ना हों फिजा में तो कला नहीं बन सकती। तो वो आते थे समझिए एक
श्रीमती सिंधी लॉस और वो बस दुआओं में दुआएं, मुझे नहीं मालूम था दुआएं कहाँ ले जाएंगी क्या करेंगी, लेकिन उस उन दुआओं के साथ सुर भी थे, उनके साथ बंदिशें भी थी और कई अजीब अजीब बातें थी, तो वो हर वक्त के लिए उनके पास कुछ कोई नई चीज़ थी महसूस करने के लिए। तो ये झूला भी वहीं से पैदा हुआ, फिर वो एक उसमें रागमाला है वो खास आदमी ने, इनको और खयाम साहब की म्यूज़िक को बैलेंस करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल भी था सिर्फ पर्सनैलिटीज की वजह से, लेकिन आसान था एक फनकार की हैसियत से मैंने उन चीज़ों को एक तरीके से ब्लेंड करने की कोशिश की और उसमें खास साहब का बहुत बड़ा हाथ था। और फिर खयाम साहब भी धीरे धीरे करके कहें, मैंने कहा देखिए कुछ भी हो लखनऊ का रंग हमें इसमें जब खुशबू नहीं मिलेगी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, तो उसकी एक अलग जिद्द थी। तो इन चीज़ों को लेके फिर कहीं आशा भोसले की आवाज़, आशा जी भी कोशिश में थी और जिद्दत उनकी ये भी यही थी कि हम कहीं ना कहीं से वो रंग वो सुर जो एक एक ज़माने का है उसको हम रिक्रिएट कर सकें। शी रेड द बुक सेवरल टाइम्स, शी मेड मी रिसाइट द पोइट्री, शी आई मीन आई वाज रियली लाइक काइंड ऑफ अ कंटिन्यूस इंस्पिरेशन फॉर हर। फिर वो तैयारी करके आती थी, फिर रिहर्सल्स होते थे खयाम साहब के साथ। अब आजकल कोई आर्टिस्ट रिहर्सल भी नहीं करता है, वो सीधे उनको धुन बताइए हारमोनियम लेके फौरन गा देते हैं। और फिर वो बाजार होते ये भी होता है कि कोई दूसरा गा देता है फिर वो डाके लगते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन तभी ये उमराजान में जो मौसीकी इतनी गहरी बन सकी सिर्फ हम लोगों की हमारी पूरी टीम की शहरियार की सबकी जिद्दत से बनी। और इसमें मुझे लगता है कि बोल जो हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं, बगैर बोल के सुर नहीं पैदा होते क्योंकि बोल ही में दर्द होता है। और अगर हम बोल ना समझें, अब पूरी जो उसकी ट्रैजेक्टरी है उमराव जान की वो उसके बोल से बनी, एक उसका ऑप्टिमिज्म, उसका एक दुनिया को चैलेंज करने का कावल वाला, और फिर उसका डिसिल्यूशनमेंट, और फिर वापस ये क्या जगह है दोस्तों, ये बोल ही है जो जिसने एक उसका नक्शा बनाया मौसीकी का। और मुझे लगता है कि इसीलिए किसी हद तक ये फिल्म संगीत बन पाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं चीज मोहित यहाँ पे लेती हूँ बताना चाहूंगी कि चूंकि और ये इस अधिकार से कह रही हूँ क्योंकि मुजफ्फर साहब के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है, इस फिल्म में रेखा को और आशा जी की जिंदगी भी बदल के रख दी इनफैक्ट। तो ये जैसे आप सुनते होंगे कि उसमें कि कहिए तो आसमान जहाँ उतार संपर्क में जाती है, ये मैं दावे से लिख के दे सकती हूँ खयाम साहब का इंटरफेरेंस नहीं आता है। वो हम लोग को भी जब गाते हैं उसे सीखते हैं या हम लोग कोई भी चीज़ फेस्टिवल के तैयार करते हैं तो शब्द जो कह रहे हैं उसके हिसाब से तर्ज उनका लगातार उस पर इसरार रहता है। और एक बार मुझे बातचीत में आपने बताया था कि आशा जी का रेंज इतना हाई है कि वो जो उनका नेचुरल स्केल था उससे 150 नीचे के लिए आपने इंसिस्ट किया, शी वॉज नॉट वेरी कन्विंस। तो वो आप देखिए कि जो बेस में उन्होंने दिल चीज क्या है जब उन्होंने गाया है तो वो लगता है कि हाँ जो पहले के सिंगर्स का जो चौथी काला साढ़े चार काला जो स्केल होता था वहां से उजल के गाने, वो मैं कहना चाहूंगी मुझे लगता है खयाम साहब से ज्यादा आपका असर वहां पर। और बिल्कुल सही है। और जब गुलाम मुस्तफा खान साहब का जिक्र आया प्रथम दर ध्यान दिनेश, रामकली से शुरू होता है, अब सोचिए रामकली आती है, फिर भैरव आता है, फिर सारंग आता है, फिर वृंदावन ही आती है, विलास खानी तोड़ी और आखिरी में भीमपलासी पे खत्म होता है। अब जो रामकली से भीमपलासी की यात्रा है वो खाती वो मौसीकी वालों का मामला है, यहाँ बैठे होंगे आपसे बेहतर कौन जानता है कि अवध का एक मतलब पीलू होता है, अवध का एक मतलब रामकली होता है, अवध का एक मतलब खमाज झिझोटी सारंग ये सब होता है। तो कई दफ़ा संगीत में भी वो धड़कने मौजूद रहती हैं। आपसे कई बार बात होती रही है, हम लोगों ने साथ में अवध की रोशन चौकी की है, वो जो लुप्त हो चुकी विधाएं हैं और उस तरह के तमाम सारे संस्कार गीत
गिनाने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है, मनरजना है और जगमोहना है, जीरा है और मांझे का गीत है, सहाना है, पन्ना है, मुबारकबादी है। मुझे लगता है कि ये ट्यूटोरियल देना चाहिए नए बच्चों को, संगीत सीखने वालों को, कि सिर्फ संगीत नहीं है, उसमें कितना अदब और कितना कल्चर का पार्ट समाहित है। उन सब को रिवाइव करते हुए आपने कैसे कनेक्ट किया ऑडियंस से? देखिए, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट की भी एक जिम्मेदारी होती है, और जब वो एक कोई भी आर्टिस्ट, आप यदि वो तय कर ले कि भाई वो एंटरटेनमेंट के लिए गा रहा है, उसका गाने का मकसद क्या है, वो खुद भी इवॉल्व हो रहा है कि नहीं बतौर एन आर्टिस्ट, यदि वो इवॉल्व हो रहा है तो पढ़ना चाहेगा, वो जानना चाहेगा आसपास क्या हो रहा है। आपने जो विधाओं का नाम लिया वो तो है ही अपने आप के विधान। सबसे बड़ी बात तो भगवान राम का सोहर भी मंच में गाना विलुप्त हो रहा था, मैं तो आपको ये भी बोलूंगी, घरों में बच्चों के जन्म पे राम का सोहर गाया जा रहा था, लेकिन आज भी मेरी जो जानते हैं कि प्रोग्राम की शुरुआत में मैं भगवान राम के, क्योंकि अवध हमारे लिए अवध बिहारी राम से ही शुरू होता है, कि राम का सोहर, राम का सेहरा, उनको भी मैं पेश करूँ। और जो ये विधाएं हैं, जगमोहना है या जीरा है, वाकई में ये अवध में ही चीजें मिलती हैं, मनरजना है, कजरी है, कजरी के प्रकार जो फेमस है मिर्जापुरी बनारसी है, लेकिन अवध की कजरी का एक अलग रंग है। इसी तरह से जो शहाना बोला आपने, या अच्छा ये देखिए कितनी मजे की बात है कि बनारस में भी कैसे अवध की चीजें खुलती मिलती है, कि हमारी गुरु ने हमें मुबारकबादी सिखाई, हमारी उस्ताद, और एक बार बड़ा खूबसूरत मौका मिला था कि अप्पा जी घर आई थी और साथ में खूब बातचीत और म्यूजिकल इंटरेक्शन खूब हुआ, उन्होंने मुबारकबादी सिखाई, उन्होंने हमें सेहरा सिखाया, राम पहिरे फूलन को सेहरा, रघुबर पहिरे फूलन को सेहरा, जबकि जो हम लोग यहाँ पे गाते हैं, लखते दिल लखते जिगर नूरे नजर का सेहरा, कैसा लगता है मेरे लालो गोहर का सेहरा, इत्र में डूब रही सेहरे की लड़िया, गंगा जमुनी ख्याल नहीं आ रहा कि गाने में एक से एक चीजें हम
गलिन गलिन जीरा वाला फिरे कोई जीरा लो, अरे तोरा दूध पिए नंदलाल रे सुहागन जीरा लो, तोरा दूध पिए रे नंदलाल सुहागन जीरा लो। अंगना में ठाड़े ससुर समझावे बहुर जीरा लो, अरे तेरा दूध पिए रे नंदलाल सो बहुर देखो जीरा लो, तेरा दूध पिए रे नंदलाल के बहुवर सुहागन जीरा लो। तो ये वाकई में एक अपने आप जैसे जीवन शैली रहे उसी हिसाब से गाने रहे। और जो माझा की बात थी मैं यहाँ पे आप सबको बताना चाहूँगी कि जब ये जो हमारे यहाँ की देसी रवायतें हैं लोकगीत हैं जैसे मनरजना का बताया जगमोहना बताया, हम लोग इन लोकगीतों को गाते रहे या अपने यहाँ के जो बनने बनने भी अलग है क्योंकि अवध में जो 300-400 सालों का जो इतिहास है नवाबों का और यहाँ पे जो पेट्रोनेज मिली बड़े बड़े गवैयों को बड़े बड़े मौसीकारों का उसके असर से यहाँ का लोक संगीत भी अछूता नहीं रहा, इसलिए यहाँ के बनने यहाँ की बनियों में भी एक बड़ी एक अलग खुशबू है। जैसे हमारी ताई जी अभी भी हैं, शी इज 96 और 96 की बरस पे वो गाती थी नखरेदार बन्नो आई पिया नखरेदार बन्नो आई पिया नखरेदार, लगेगा कि फिल्म का है। मेरी बन्नो की अखिया पिया जैसे जंगल की हिरनी हाँ पिया नखरेदार बन्नो, लगेगा कि फिल्म का कोई गाना है। लेकिन इस उम्र में वो गाती थी फर्श मखमल पे मेरे पांव छिले जाते हैं। आप सोचिए तो वो एक नवाबी मौसिकी का असर यहाँ के लोकगीतों पे भी खूब रहा बन्नों पे बन्ना पे। तो मैंने सोचा कि मैं इन चीज़ों को पेश करूं और ऐसे ही एक बार योगेश प्रवीण जी मेरे यहाँ लेकर के आए जरीना बेगम जी को, ये बात हो गई 15-16 साल पहले क्योंकि उनको मालूम था कि मैं पुरानी बंदिशों को पुरानी चीज़ों को ढूंढती हूँ। तो जरीना बेगम जब आई तो जरीना बेगम से मैंने कहा कि गज़लें नहीं सुननी मुझे बेगम साहिबा की, आप और जो चीज़ें सुनाती हैं, और उन्होंने कमाल कमाल चीज़ें सुनाई। मैंने आपसे जिक्र किया तब आपने कहा कि सूफिया बेगम हैं यहाँ पे, आप उनसे वो लखनऊ के लोग भी जानते होंगे हैदर बख्श साहब बहुत पुराने बहुत बढ़िया कवाल उनकी वो बहन, और आपके कहने पे मैं उनसे मिली हुसैनाबाद में उनके घर गई, ये 12 साल पुराना किस्सा है, और गई मुसलसल जाती रही और मैंने बड़े सारे सहरा शहाना मुबारकबादी माचे उनसे दिए और सीखे। और इसीलिए मैंने कहा कि आर्टिस्ट के लिए इवॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि और मैं तो मुजफ्फर साहब को खुद उस्ताद मानती हूँ, ये बात जानते हैं, क्योंकि मैं जब वहाँ पे गई और मैंने उनसे आपको मैं सुना रही बनरा यहाँ का खास जो मिरासे ने गाती थी, आपने गौनिहारियों का जिक्र किया, अफसोस है कि अवध की सबसे बड़ी एक नुमाइंदगी म्यूजिक की मिरासे ने कर दी थी, लेकिन इट इज़ अ डाइंग आर्ट ऑलमोस्ट डेड आर्ट नाउ, अब मिरासे ने है ही नहीं। और उनके जो क्योंकि वो सब खानदानी गवैये खानदान से आती थी तो उनकी उठान रागदारी बसंत में है परज में है तिलक का मूद में है दरबारी में है मालकोस में कमाल का। मैं आपको एक सुना रही हूँ गोरी के हाथ में जरद रुमाल जरद रुमाल हरियाले बने अरे माझा भेजो रे हाय हरियाले बने माझा भेजो रे हाय नींद का बोझ संभाल गोरी जरद रुमाल जरद हरियाले गोरी के हाथ में जर
और मजाहिया गाने भी हैं। अंदर मियां बन रे, अभी मियां लगना बन रे के ये अवध की खासियत है। अब यहाँ पर हम आओ मियां, ये अवध है, मियां साहब आ गए, हाजिर हो गए। गाने में देखिए, अंदर आओ मियां बन रे, बन रे खोलो ना केवड़िया, बन रे खोलो ना केवड़िया रे, बन रे खोलो ना केवड़िया, तेरा नी मुहारे जामा, तेरा नी मारे जा मारी जामा, नीम तेरा जा मारी तेरा नीम कंगना रे, बन रे खोलो ना केवड़िया, बन रे खोलो ना केवड़िया रे, बन रे खोलो। कव्वाली की तरह उठता है। तो ये एक मुझे लगता है कि ऐसे गाना बजाना, ऐसा रंग दुनिया में कहीं नहीं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। हर जगह की खुशबू अलग है, लेकिन अवध जैसे खुशबू कहीं इतनी मुकम्मल, इतनी वर्सटाइल। और यदि आप म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिकलिटी भी ऐसी कहीं नहीं है। जिनको रागदारी में बात करनी हो, मैं यहाँ पे कोई उस्ताद बैठे हो, मैं आपको 10 रागों में यहाँ पे अवध की खालिस चीजें बता दूंगी, जो दिखाता है कि ये रैंडम चीजें नहीं बनी, बड़े रियाज के बाद बड़ी। अब एक अब छोटी सी चीज माफ करिएगा, आई एम जस्ट गेटिंग कैरियड, असल 12 दिन विदेश से लौटी हूँ, तो गाना बजाना जो अब ये और भी ऐसा खूबसूरत साथ। एक देखिए सुहाग हमारे यहाँ जो गाते हैं, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम के सर पे ताज रहे, ये टिपिकल अवध है, ताज रहे। सिया रानी का चल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, नित कनक बिहारी बिराज रहे, नित भरा पूरा दरबार रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। वृक्ष देखिए मिरासनों के क्या होते थे, नित बन्नी रहे, नित बन्ना रहे, नित बन्नी बना में बना रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, जब तक ले गंगा जमुना बहती रहे, जब तक ये शीश रही बात, जब तक ले शीश रही बात रहे, गंगा जमुना की धार बहती रहे। क्योंकि कौशल्या रानी ने मानस में कहा कि यही कहा था सीता जी को परछम पे जब वो आई ब्याह कर, कि जब लग बहे गंग जमुन जल धारा, अचल रहे सिया अहिवात तुम्हारा। उसका देखिए कैसा खूबसूरत इसमें एक नुमाइंदगी है कि राजा राम के सिर पर ताज रहे, ये अवध है। राग भी देखिए, सुर भी देखिए, ये कहीं दुनिया परछन की बात आपने कही। अवध का एक बहुत सुंदर परछन है राम का, रघुवर के नैना रसीले हो परछन चलो वाली, बहुत सुंदर है। आपने तिलक कामोद की बात की, तिलक कामोद राग अवध से ऐसे जुड़ा है कि जब नवाब अली शाह को मठिया बुर्ज किया गया, यहाँ पे से वो बंगाल ले जा गए पश्चिम बंगाल, तो वहाँ पर जो उनका एक जलावतनी का समय था, उसमें जब उन्होंने महफिल की तो राग तिलक कामोद में ये तुमने गाई, नीरभरण कैसे जाऊँ सकीरिया, और नीरभरण पहली बार जो रिकॉर्डेड है इतिहास में मिलता है तिलक कामोद में गाया हुआ, वो वायलिन शाख है, तो ये बड़ी बात है। और आपने ग्वालियरों की बात की, बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप कुर्तुलैन हैदर की एक कहानी है द स्ट्रीट सिंगर्स ऑफ लखनऊ, आप उसे पढ़ें। आतिया हुसैन की किताब है सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम, आप उसे पढ़ें। आप ओरिएंटल स्टडीज जो लखनऊ पर है, अब्दुल हलीम शरद की गुज़िश्ता लखनऊ, उसे पढ़ें। और तमाम सारी चीज़ें अली सरदार जाफरी लखनऊ की 5 रातें, मुझे लगता है कि मुजफ्फर भाई ने 4 जो बड़ी फिल्में अवध को लेकर के की, गम जिसमें एक विचलन है और छोटे शहर का आदमी बड़े शहर जाता है और उसके अपने अंतर्द्वंद हैं, उमराव जान जो कि एक पूरा एक इतिहास है उस
बदलते हुए दौर का, और इसपे रावदान मुख्य एक आपकी नायिका है। फिर अंशुमन और आगमन, जिसमें यूथ पॉलिटिक्स का मामला है, सारी चीजें हैं। अवध का वो कौन सा खास, और बाद में जानी सारे तक आते हुए, वो कौन सी चीज है जो छूट गई, जो आप कर नहीं पाए या जिसका समय बीत गया? कई बार क्या होता है कि जब उस्तादी आती है तो समय गुजर जाता है, और जब गड़कपन होती है, ताकत होती है, तो वो इल्म नहीं होता। वो जो इल्म और जो मुकम्मल होने के दरमियान जो छूटा है, मैं उसकी बात करना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि मैं हर कला से जुड़ा हूँ, और मुझे लगता है हर कला जो है वो गंगा जमुना की धारा की तरह मिल के चलती है। तो आप एक कला को दूसरी कला से अलग कैसे रख सकते हैं? तो ये थोड़ा मुश्किल काम है, और ख़ास तौर से अवध में, जहाँ पर कला भी है और कारीगरी भी है और फनकारी भी है, दस्तकारी भी है, तो आदमी हर चीज़ की तरफ खिंचता है और ये सोचता है कि हम एक ब्लेंडिंग कर सकें आइडियाज़ की, तो वो कभी ख़त्म नहीं होता है। एंड एज अ पेंटर, मुझे एक अलग तरह का डायमेंशन, अलग तरह की प्रेरणा मिलती रहती है। तो मेरा वक्त कोई खाली नहीं होता है कि मैंने ये काम छोड़ दिया और ये नहीं किया। फिल्म के साथ सबसे बड़ा मसला क्या है, वो है माल और दौलत का, बिजनेस का, जो इत्तेफाक से मेरी क्या कहते हैं तरबियत और सोच से अलग है। ये चीज़ कैसे बन गई ये फिल्में, मुझे ताज्जुब होता है कि इतना इसमें लोगों ने पैसा लगा भी दिया। और आई थिंक वो पूरा एक ज़माना ही बदल गया, लोगों की सोच और डूबने का जज्बा ख़त्म हो गया, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम डूबे तो पैसा भी डूब जाएगा, तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। बहुत से ख्वाब हैं जो अधूरे हैं, लेकिन हम अभी तक ये सोचते हैं कि सारे ख्वाब पूरे होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ आपका ख्वाब बन सकती है तो ख्वाब दिखाए भी जा सकते हैं। तो उस सिलसिले को लेके मुझे लगता है कि मेरे लिए कथक की भी बहुत अहमियत है, क्योंकि ये शहर जो है वो कथक का शहर है, और इसमें मैंने कई चीज़ें करने की कोशिश की। एक हम लोग फेस्टिवल करते थे, वाजिद अली शाह फेस्टिवल, जिसमें आप भी शामिल हुई हैं, और जहाँ खुसरो में भी। तो कथक को लेके मैंने बहुत कुछ सोचने की कोशिश की, हो सकता है मैं उस मंजिल तक ना पहुँच पाया हूँ, लेकिन वो कथक की जो पेशकश थी वो उस्तादों से हट के थी। उसमें उस्तादी तो अपनी जगह होती ही है, लेकिन उसमें जो एक नैरेटिव और एक ड्रामेटिक डायमेंशन था, वो मैंने उसमें ढूंढने की कोशिश की। अब जैसे 1857 पे मैंने वो की है गोमती, और वो गोमती मैंने राही मासूमुल्लाह की किताब थी 1857 पे, वो सिर्फ अवध का दर्द था, उसमें अवध की कुर्बानियाँ थी उसमें। और मुझे लगता है ये अवध की कुर्बानियाँ 1857 की, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री का, जिसपे कुछ फिल्मों के ज़रिए से लोगों को एहसास दिलाया जा सकता है। हमारे लिए गोमती मैंने मेयो गर्ल्स की लड़कियों के साथ की, और उन्हीं से मैंने सब कुछ कराया, म्यूज़िक भी कराया, मैं भी वो गाना भी गा रही थी और डांस भी कर रही थी, हर तरीके से उनको इन्वॉल्व किया, और फिर उनको उसको पेश किया गया। तो जब वो पेश हुआ तो थी हमारे साथ महारानी कोटा, गंगा महाराजा गंगा सिंह की वो लड़की थी, तो वो रो रही थी। मैंने कहा देखिए आपका अवध से क्या लेना देना, ये जिसका इसमें तो दर्द अवध का ही है, गोमती का है, लखनऊ का है। कहने आप लोग जानते नहीं हैं, हम लोग यहाँ जो राजपूत हैं उसको ये नहीं मालूम होता है कि वो सुबह जा रहा है तो लौट के शाम को घर आएगा या नहीं आएगा। तो इस कैफियत को जीना सुबह शाम, इससे ही कला पैदा होती है कि उसको नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है। और इस अगर ये इस चीज़ का एहसास आप सुर में और नृत्य में पेश कर सकें तो लोगों के दिल पिघलते हैं।
बहुत ही सुंदर है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो बड़े स्टार्टअप को विकसित समय की बड़ी सीमा रखनी नहीं चाहिए, तो इसको कटिंग एज की तरह मानना चाहिए, इसको पूरा फुल लूप प्रोग्राम न माने। उसके लिए आप 10 के सर बात हैं और 11 गौतम पर ली जाएँ कुछ और सीखने समझने के लिए। और कल आपकी किताब 2 दिन पहले हाल में आई है जिक्र, तो मुझे ये जानना है मुजफ्फर भाई कि उस किताब में वो क्या आपने अपने आत्मकथा में वो किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया है जो आप कहना चाहते हैं? किस किताब की बात? आपकी अपनी आत्मकथा। मेरी कोई आत्मकथा वो 3 बजे पता चलेगा। अच्छा, तो ये इस शो का मतलब वहाँ से लगातार मुझे घंटे घड़ियाल बजाएगा नहीं, समय कम है तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुजफ्फर साहब का बहुत इस्तकबाल, एहतराम, खैर मकदम, मालनी जी का चलते चलते 2 मिनट में 1 मिनट में अवध पे बात करते हुए उठ रहे हैं, तो या तो कार्य हो गया है विदेश और या तो बाबुल मोरा नैहर छूट हो जाए।